हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो होता है वो हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं विद द एग्जांपल। अगर आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट इसको वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर हम इसके पाइथन कोड को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको पूरा पाइथन कोड इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप आप मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको मेथड जो है वो पूरा इसका एक्सप्लेन है। बस हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम एक एक्स पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, दैट इज 0, 1, 5 एंड 8, 68 एंड 1, 2, 3। ओके, सो ये आपके पास में एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। जेड इज दैट पॉइंट जिस पर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि जो वैल्यू लाइक दिस इज अ इंटरपोलेटिंग पॉइंट। एन जो है वो लेन ऑफ एक्स हो जाएगा। हम यहाँ पर एक रिजल्ट कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा जिसमें रिजल्ट इंसर्ट होगा वो हम एक एंड अलग सॉरी टू डायमेंशनल एरे हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज अ मैट्रिक्स विच विल बी एन क्रॉस एन प्लस टू माइनस वन। इट मीन्स एन प्लस वन, एन एन प्लस वन का आपके पास में यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के अंदर ये इस टाइप से आपके पास में मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर हम एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास में आई जो है वो यहाँ पर कितना है, सॉरी एन जो है वो थ्री है। बेसिकली क्या होगा, थ्री इसके अंदर 1, 2, 3 रोज होंगी उसके अंदर। और कॉलम कितने होंगे, कॉलम बेसिकली यहाँ पर हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएंगे आपके पास में 1, 2। अब इसके बाद में 3 पॉइंट है ना, तो देखो जब भी 3 पॉइंट होते हैं, जैसे 0, 1, 5 यहाँ पर 8, 68 और 1, 2, 3, हम डिवाइडेड डिफरेंस जब भी लेते हैं तो इन दोनों में से माइनस करके इसका डिवाइड करते हैं तो वो एक आ जाएगा डिवाइडेड डिफरेंस। फिर जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, उन दोनों के बीच में होगा, तो डेल टू वाई। तो ये डेल टू वाई तक चलेगा, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चलेगा हमेशा। तो जब यहाँ पर 3 पॉइंट्स है तो यहाँ पर कितने तक चलेगा, 4 तक चलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर रखा है, एन से लेके 2n-1 मीन्स दैट यहाँ पर इसको आप n+1 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमारे पास में एक एम्प्टी लाइक एक एरे है, एम्प्टी एरे टू डायमेंशनल का। हम उस एम्प्टी एरे के अंदर क्या कर रहे हैं, फॉर के इन रेंज ऑफ एन, यानी कि के जो है वो 3 तक की रेंज में है, 0, 1, 2। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो 0, 1, 2 लिखूंगा पाइथन की फॉर्म में। तो ये 0, 1, 2 और 3 तक चलेगा। तो ये पाइथन की फॉर्म में होगा क्योंकि पाइथन में इंडक्शन 0 से स्टार्ट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान से समझना, एन की वैल्यू 0 है उस टाइम पे के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज 0 ना। तो जब के 0 होगा तो हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट 0, 0 को हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो पहले वाले वैल्यू को हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। फिर क्या करेंगे, एक्स आई की सारी वैल्यूज को हम उसमें स्टोर करते जाएंगे। हर बार क्या हो जाएगा, एक्स के जो होगा उसके साथ में ऐड होता जाएगा। ये ऐड होने का मतलब है ये इस फर्स्ट वाले रो के अंदर सारी वैल्यूज हमारी अपेंड हो जाएगी, बाकी यहाँ पर सब जगह 0, 0 हो जाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको ऐड कर रहे हैं, मतलब हमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डिफरेंस टेबल जिसके अंदर अभी डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हुआ, हम उसमें एक्स आई और वाई आई को अपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली हमने वाई आई वैल्यूज जो है वाई एक्स के एंड वाई के को हमने उस रो के सॉरी उस कॉलम के अंदर हमने डाल दिया, जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, जिसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम पर हमने एक्स और वाई की वैल्यू को डाला है। फिर हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ये इनिशियल हो जाएगा। अब हम जे इज इक्वल टू 2 कंसिडर कर रहे हैं। जे 2 का मतलब है ये वाला, हम यहाँ से वैल्यूज को अपेंड करना स्टार्ट करेंगे अंदर, क्योंकि ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, हम इस वाले के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो हम वहां पर जे इज इक्वल टू 2 लेंगे और ए का वैल्यू n-1 लेंगे। मीन्स दैट ए यानी कि यहां से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब हम जो जे सॉरी जो एन ले रहे हैं 3-1, 2 उसके अंदर हम क्या करते जाएंगे, हर बार एक एक कम करेंगे और इनका वापस ना इनका आपस में लाइक डिफरेंस लेंगे और उसमें एक्स वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर लूप का यूज कर रहे हैं, व्हाइल जे लेस देन एन प्लस वन और लाइक एन प्लस टू माइनस वन एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 और के जो होगा ना वो जे माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि जे आप 2 ले रहे हैं, 2-1 मीन्स दिस वैल्यू। हमेशा आप वाई के साथ स्टार्ट करेंगे और आई इज इक्वल टू ए लेंगे। ए हमने यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा है, आई लेस देन ए हमारी स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएगी कि वहां तक आपको चलना है वाइल लूप के अंदर। डी हमने वो मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर हम पूरा वापस प्रिंट करेंगे। तो हमने क्या किया, रिजल्ट में आई प्लस के लिया है, रिजल्ट में आई प्लस के इज इक्वल टू 0 और रिजल्ट में आई 0 लिया है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आगे वाला आप देखो, आई प्लस के और आई ith वैल्यू और आई प्लस के वैल्यू, आई प्लस के मतलब नीचे वाला वैल्यू, उसमें से ऊपर वाले वैल्यू को हम लेस करेंगे। यानी कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 68 है, तो ये 68-8 डिवाइड बाय इतना कैलकुलेट कर लिया, दैट इज डी। अब हम क्या करेंगे उसमें, लाइक ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसमें हम एक्स आई वैल्यूज का डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट
दिस एंड यहाँ पर अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो हमने रिजल्ट कंसिडर किया आई प्लस वन और जे माइनस वन माइनस रिजल्ट आई मीन्स दैट वो पॉइंट यहाँ पर यानी कि एक्स आई जो पॉइंट है उसका डिवाइड हम यहाँ पर करेंगे तो उसमें हम वापस डी का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगा इस टाइप से, आई थिंक सो यहाँ पर ना डी डिवाइड बाई दिस वन होना चाहिए था क्योंकि ये रिजल्ट आई प्लस के जीरो रिजल्ट आई प्लस के या वो एक्स एक्स पॉइंट के लिए सॉरी फॉर दैट वो 8 माइनस 68 नहीं होगा वो होगा 0 माइनस 1 उसको हम फिर डिवाइड करेंगे इस वाले में से ना क्योंकि i प्लस 1 j माइनस 1 पीछे हो यानी कि x वैल्यूज आप यहां पर समझ पा रहे होंगे ये x वैल्यूज y वैल्यूज है ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना d वो इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 0 1 एंड 5 वो इसमें से लेस होगा एंड 8 68 1 2 3 जो होगा वो इसके अंदर होगा फिर हम यहां से इसको इसके अंदर लेस करके यहां से जो कैलकुलेट हुआ d उसको हम यहां पर डिवाइड कर देंगे तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे और जस्ट जो हमारी लिमिटेशन है आई जो होगा सॉरी ए जो होगा वो हमेशा एक कम होता जाएगा के जो होगा वो एक बढ़ता जाएगा जे जो होगा वो एक बढ़ता जाएगा ए मतलब क्या होगा डिफरेंस टेबल जो बनेगी उसके अंदर हर बार वैल्यू एक एक कम होती जाएगी नीचे से भी आप जब रिजल्ट देखेंगे आउटपुट तो देखना उसके अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा जब ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद में जो हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो इंटरपोलेटिंग पॉलीनोम इंटरपोलेटिंग पॉलीनोम बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स जीरो इनटू डेल लाइक डेल ऑफ वाई प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से हमारे पास में एक पॉलीनोमियल का फंक्शन बनता है तो वो ये हो जाएगा पार्टीशन इज इक्वल टू पार्टीशन हम उसको कंसिडर कर रहे हैं वेरिएबल लेंगे और पी माइनस एक्स आई यानी कि एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर एक्स लाइक एक्स माइनस नॉट होल स्क्वायर एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस लाइक एक्स जीरो और इस टाइप से होता है। मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ दैट इज एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू डेल वाई प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल टू वाई ना एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डेल थ्री वाई क्योंकि डेल थ्री वाई तक ही सॉरी टू वाई तक ही यहाँ पर चलेगा एक्स माइनस एक्स जीरो एक एक कम होता जाएगा उसके अंदर तो ये आपके पास में आपके जो है वो पॉलीनोमियल बन जाएगा। अब पॉलीनोमियल बनने के बाद हम क्या करेंगे जो जेड हमने लिया था स्टार्टिंग में टू उसको हम लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर अभी हमने जो यहाँ पर कोड लिखा उसमें क्या हो रहा है सबसे पहले आप देखेंगे ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो रही है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ये x वैल्यूज है ये y वैल्यूज है आप देख सकते हैं ये x और है ये y है लेकिन यहाँ पर अभी जीरो जीरो कोई कैलकुलेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो टेबल बनेंगे ना वो एज x एंड कॉलम टू और एंड फंक्शन तो ये इसको फिक्स रखेंगे a जो हो रहा है ना वो ये है हर बार देखो एक एक कम होता जा रहा है a फिर एक बार और कम हो जाएगा यानी कि ये जो वैल्यूज पहले दो है फिर एक में आ जाएगी तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ये इसका पॉलीनोमियल हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 9.25 पी स्क्वायर प्लस 9.25 पी प्लस 60 पी प्लस 8 इसको सॉल्व करने में आपको इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल मिल जाएगा और हम उसके अंदर 2 पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो 109.5 आपको मिल जाएगा फॉर अन इक्वल इंटरवल बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के कोड को समझने की कोशिश की है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बाय बाय।